यस फ्रेंड्स, दिस इज प्रोफेसर विकास सिंह। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन की, इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं TYBCOM। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। आज के पेपर्स बहुत अच्छे गए, इम्पोर्टेंस के पूरे पेपर्स आए थे। चलिए ऐसे प्लानिंग करके पढ़िए, भी पेपर्स अच्छे जाएंगे। चलिए गाइस आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। फ्रेंड्स एक टॉपिक का नाम है जो मैं आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, उसका नाम है डिक्लेयर सर्विस। ये टॉपिक का नाम है डिक्लेयर सर्विस। मैं आपको सेक्शन बता दूँ चाहिए तो सेक्शन 66E डिक्लेयर सर्विस। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? डिक्लेयर सर्विस की बात कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। डिक्लेयर सर्विस मतलब क्या होता है बच्चों? मतलब ये चीज़ें डिक्लेयर कर दी गई है लोगों को। सर ये थियोरी में भी आ सकता है और इसका पूरा इंपॉर्टेंस सब में आएगा हमको। ये पूरा थियोरी में आपको लिखने आएगा बच्चों, पूरा थियोरी में लिखने आएगा, थियोरी क्वेश्चंस भी आएंगे और सब में भी काम आएगा, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। डिक्लेयर सर्विस, चलिए डिक्लेयर सर्विस की बात कर रहे हैं, आ जाइए। डिक्लेयर सर्विस आर द फॉलोइंग 10 एक्टिविटीज़। डिक्लेयर सर्विस में 10 एक्टिविटी आती है। रेंटिंग इमोवेबल प्रॉपर्टी, आपने कोई इमोवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दिया, डिक्लेयर सर्विस में आएगा। व्हाट इज मीन बाय डिक्लेयर सर्विस? डिक्लेयर सर्विस का मतलब उस पर टैक्स लगेगा। डिक्लेयर सर्विस का मतलब उस पर टैक्स लगेगा। रेंटिंग ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी, टैक्स लगेगा। कंस्ट्रक्शन, बच्चा आपने कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर, डिक्लेयर सर्विस में आ जाएगा। लेकिन अगर सुन लीजिए ना, अगर ऐसा बोला ना CC सर्टिफिकेट रिसीव्ड, कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिसीव्ड, तो उस पर सर्विस टैक्स नहीं लगाने का बच्चों। देखिए आपने कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किया, कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन किया, सर्विस टैक्स लगेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल दिया CC मिल गया, CC, तो सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, अगर बोला ट्रांसफर ऑफ परमिटिंग टू इज एंजॉयमेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो उस पर सर्विस टैक्स लगेगा। हम लोग डिक्लेयर सर्विस देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? डिक्लेयर उस पर सर्विस टैक्स लगेगा। देखो अगेन रिपीट कर रहा हूँ, रेंटिंग ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी होगा, कोई भी इमोवेबल प्रॉपर्टी आप रेंट पे दिया, सर्विस टैक्स लगेगा। कंस्ट्रक्शन क्या, सर्विस टैक्स लगेगा, लेकिन CC होगा तो नहीं लगेगा। IPR मतलब कॉपीराइट डिजाइंस, ये सब पे सर्विस टैक्स लगेगा। लेकिन बच्चा एक क्वेश्चन आएगा, मैं आपको जब अभी एक मास्टर सम कराऊंगा उसमें मैं आपको एक एक्सेप्शन दिखाऊंगा, जरा तभी याद आएगा। रुकिए, सॉफ्टवेयर, अगर बोला डेवलपमेंट डिज़ाइन प्रोग्रामिंग कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का अपग्रेड कर रहे हो, डिज़ाइन कर रहे हो, फॉर्मेशन कर रहे हो, तो उस पर भी सर्विस टैक्स लगेगा। ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट, आप किसको बोलते हो ये एरिया में बिजनेस मत कर, इतना ले ले, उस पर भी सर्विस टैक्स लगेगा। हायरिंग ऑफ लाइसेंसिंग विदाउट ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज सच गुड्स, ठीक है, उस पर भी सर्विस टैक्स लगेगा। HP हायर परचेज सिस्टम, हायर परचेज मतलब जस्ट लाइक इंस्टॉलमेंट सर, और हायर परचेज मालूम लास्ट पेमेंट करोगे तो, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो ही गुड्स आपके पास पास होगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब सर्विस और मटेरियल एक साथ मिक्स होता है, उसको बोलते हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सर वेरी सिंपल लॉजिक है कि 10 आइटम है, इतने सारे मैंने आइटम डिक्लेयर सर्विस में आते, क्या आते हैं इसमें? डिक्लेयर सर्विस बोलते हैं। रेंटिंग, कंस्ट्रक्शन, IPR, सॉफ्टवेयर, ऑब्लिगेशन, हायरिंग, HP, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ड्रिंक एंड फूड्स पे भी सर्विस टैक्स लग जाएगा। RF स्पेक्ट्रम, रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम, वो सब होगा तो सर्विस टैक्स लग जाएगा, ठीक है गाइस। इसका एक कीवर्ड मैंने बनाया बच्चों, एक कीवर्ड बनाया रुचि सो फार, याद रखिए रुचि सो फार। R से रेंटिंग जस्ट बता दे रहा हूँ, W से वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, C से कंस्ट्रक्शन, S से हायरिंग, और एक H से HP, I से IPR, S से सॉफ्टवेयर, O से ऑब्लिगेशन, F से फूड एंड ड्रिंक्स, और R से RF स्पेक्ट्रम। सर ये ऑब्जेक्टिव्स में आएगा बच्चों, इसे मैं बोल रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से कर लीजिएगा बच्चों। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, डिक्लेयर सर्विस तो करवा दिया मैंने फ्रेंड्स। चलिए सर्विस स्पेसिफिकली एक्सक्लूड, अब हम लोग देख रहे हैं एक्सक्लूड सर्विस। हम लोग क्या देख रहे हैं? एक्सक्लूड सर्विस 65B, हम लोग एक्सक्लूड सर्विस की बात करें, मतलब ये सब चीज़ों पे सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, ये सब चीज़ों पे सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। एक्सक्लूड सर्विस नाम से मालूम पड़ता है, एक्सक्लूड सर्विस पे सर्विस टैक्स। सर ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में थ्योरी में आएगा लिखने, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में थ्योरी में आपको आएगा लिखने के लिए, ये सब चीज़ों पे सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। क्या क्या है? टाइटल, टाइटल सर आपने कोई टाइटल
आपने गुड्स ट्रांसफर बेचा, ईमोल प्रॉपर्टी बाय सेल गिफ्ट आपने बेच दिया, टाइटल मतलब ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया, सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। कोई चीज़ बेचा, कोई गुड्स आपने बेच दिया, देखो कोई ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया, सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। गुड बेच दिया, सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। मनी मनी मनी, सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। एम्प्लॉय बहुत इंपॉर्टेंट है सर, एम्प्लॉय जो एम्प्लॉय को सर्विस देता है उस पर भी सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, एम्प्लॉयमेंट पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। फीस कोर्ट फीस, वो मैंने अभी थोड़े डेफिनेशन में दिखाया था। एमएलए एमपी को जो पैसा मिलता है, एमपी एमएलए ड्यूटीज ऑफ एमपी एमएलए उसको जो पैसा मिलता है उस पर भी सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मतलब आईपीएस वीपीएस के, उस पर भी सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। गवर्नमेंट बॉडीज सर, गवर्नमेंट बॉडीज ऑफ मेंबर ऑफ गवर्नमेंट, इस पर भी सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। इसका कीवर्ड है TMCEFG, क्या बोलने का, TMCEFG। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, किस पे सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, टाइटल पे, गुड्स पे, मनी पे, एम्प्लॉय फीस, एमपी एमएलए, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, गवर्नमेंट बॉडी, ये सब चीज़ों पे सर्विस टैक्स नहीं लगेंगे। सर इसके पहले हम लोग ने जो बात किया था डिक्लेयर सर्विस, बच्चों में क्यों हैमर कर रहा हूँ ये सब चीज़ों पे, क्योंकि ये थियरी में भी आएगा, तो आपको ये सब वर्डिंग्स लिखने पड़ेंगे। टाइटल्स, टाइटल आपने कोई चीज़ बेच दिया, इमोबल कोई ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दिया, आपने कोई गुड्स ट्रांसफर कर दिया, मनी बेच दिया, राइट ना, मनी ऑक्शनेबल मनी, एम्प्लॉयर ने, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को सर्विस दिया, फीस, एमपी एमएलए का ड्यूटीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, गवर्नमेंट बॉडीज पे सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा है सर, ज़रा ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीके से। हम आगे बढ़ रहे, हम बात कर रहे सर्विस इन द नेगेटिव लिस्ट। सर वेरी इंपॉर्टेंट है, सर्विस इन द नेगेटिव लिस्ट, नेगेटिव लिस्ट की बात कर रहे हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव लिस्ट में सर, नेगेटिव लिस्ट में जो जो आइटम्स आते हैं ना बच्चों, उस पर सर्विस टैक्स नहीं लगता है। बच्चा नेगेटिव लिस्ट के ऊपर थियरी भी आती है, और नेगेटिव लिस्ट अच्छे से कम सॉल्व कर लेगा ना, तो उसके ऊपर से सम भी आ जाता है। तो नेगेटिव लिस्ट पर सम भी आता है, थियरी भी आता है, दोनों आता है। तो जरा अच्छे से पढ़िएगा सर, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, नेगेटिव लिस्ट ऊपर ऊपर से जा रहा हूँ और टेक्निक्स बताऊंगा, ठीक है। नेगेटिव लिस्ट का मैं ऊपर ऊपर से जा रहा हूँ और टेक्निक्स बताऊंगा फटाफट, वेरी क्विक मैनर में, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा गाइस, आ जाइए। चलिए, जो नेगेटिव लिस्ट में जो आइटम्स आ रहे हैं, मैं जो अभी आइटम्स कराने जा रहा हूँ उस पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। चलिए, कौन से आइटम है, सर्विस बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी जो सर्विस दे रहा है, राइट ना, उस पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। सर्विस बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी एक्सक्लूडिंग, कुछ चीज़ों पे सर्विस टैक्स लगेंगे, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, स्पीड पोस्ट, पार्सल पोस्ट, इंश्योरेंस, ये सब पे सर्विस टैक्स लगेंगे, ठीक है। जो मेन मेन है उस पर फोकस कर रहा हूँ सर, मैं ज़्यादा वो नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको टेक्निक बताते जाता हूँ, ठीक है। चलिए पहले सुन लीजिए, उसके बाद टेक्निक बता ही देता हूँ। ए बी सी डी के फॉर्म में याद रखिएगा, ए फॉर एप्पल, एप्पल मतलब ए फॉर एप्पल, राइट ना, ऐसा याद रखिएगा, एप्पल, ए फॉर एप्पल, ठीक है। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जस्ट टेक्निक बता रहा हूँ, अमित शाह, ए फॉर एप्पल, ए फॉर अमित शाह, अमित शाह मतलब गवर्नमेंट, ठीक है, ऐसा याद रख लेना टेक्निक। अमित शाह कौन है, गवर्नमेंट है, ठीक है, अमित शाह कौन है, गवर्नमेंट है। नेक्स्ट, सर्विस बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी फॉर बॉल, आर बी आई एक बॉल होता है, सर्विस बाय द आर बी आई, सर्विस बाय आर बी आई, जस्ट टेक्निक बता रहा हूँ सर, लिखने को भी काम आएगा थियरी में, इसे जस्ट टेक्निक बता रहा हूँ। सर्विस बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, सी फॉर कैट, कैट मतलब, कैट मतलब फॉरेन, फॉरेन डिप्लोमेटिक पर्सन होते ना, फॉरेन डिप्लोमेटिक पर्सन, यस, सी फॉर कैट, कैट याद रखना, कैट, फॉरेन कैट, खोकार बिल्ली, ठीक है, फॉरेन डिप्लोमेटिक, ठीक है। उसके बाद डी फोर, डी फोर सर्विस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मैं टेक्निक बताता हूँ, किसान कुत्तों की जैसा काम करता है। सर मैं किसान को कुत्ता नहीं बोल रहा, जस्ट याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, कोई दिल पे मत ले लीजिएगा, किसान कुत्तों की तरह काम करता है, डी, राइट ना, तो काम करता है एग्रीकल्चर, किसान, किसान मतलब एग्रीकल्चर, सही बात है, जरा ध्यान देना सर। आगे रिपीट कर, ए फॉर अमित शाह, बी फॉर बॉल, बॉल मतलब आर बी आई, सी मतलब फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, राइट, सी, और डी फॉर, राइट, और डी फॉर डॉग, कुत्तों जैसा, कहा कुत्तों की तरह काम करता है, जैसा याद रखने के लिए बोल रहा हूँ सर।
इसमें याद रख लीजिएगा सर, एक सिंपल लॉजिक बता रहा हूँ सर, एग्रीकल्चर में आप कोई भी, मैं एक मास्टर सम करा लूँगा, आपके पास भी टाइम नहीं है तो इससे अच्छा इसमें ज़्यादा बोल के मतलब नहीं है, मैं मेन मेन पॉइंट को आपको याद करवा रहा हूँ जस्ट, ठीक है। चलिए, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, गुड्स की ट्रेडिंग की बात कर रहा सर, एग्रीकल्चर का एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, प्रोसेसिंग ऑफ ट्रेडिंग पुटिंग हार्वेस्टिंग ये सब याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेंटिंग लीजिंग अग्रो मशीनरी, आप मैंने मशीनरी वो सब दिया, मैं सब कराऊंगा तो उसमें एक बार बोलूँगा, लोडिंग अनलोडिंग पैकेज सब मैं डायरेक्ट सिखा दूंगा, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस R&D ये सब चीज़ों पे सर्विस टैक्स नहीं लगेंगे। नेक्स्ट ट्रेडिंग सर, हाथी के दांत E4, डी के बाद क्या आता है ई, हाथी के दांत क्या होते हैं, ट्रेडिंग होते हैं, ट्रेडिंग E4 ट्रेडिंग, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, जस्ट लॉजिक समझा रहा हूँ। ई के बाद क्या आता है F मतलब मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ लिखकर समझ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन जरा ध्यान देना, EFF मतलब फिश का आप प्रोडक्शन कर रहे हो, जस्ट एफ फॉर फिश होता है ना, फिश का प्रोडक्शन कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें क्या लिखेगा लिखकर, याद रखना सर लिखकर पे सर्विस टैक्स लगेगा, लिखकर पे सर्विस टैक्स लगेगा। सेलिंग ऑफ स्पेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन द प्रिंट मीडिया, एडवर्टाइजिंग इन प्रिंट मीडिया, इस पर भी सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, प्रिंट मीडिया में होगा तो सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, अदर देन प्रिंट मीडिया में कोई भी हर जगह पे सर्विस टैक्स लगेगा। टोल चार्जेस पे सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, बैटिंग गेमलिंग पे भी सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, ये तो ओमिट हो गया। हाँ, सर्विस बाय रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल हाउस, आप घर पे जो रहते हो रेसिडेंशियल हाउस पे भी सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, आपने रहने वाले घर को भाड़े पे दिया तो उस पे भी सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, आपने बैंक में मनी डिपॉजिट किया लोन लिया वो सब उसके इंटरेस्ट पे भी सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। आई होप आप लोगों को समझ रहा है, फॉरेन करेंसी टू द डीलर और बैंक के साथ डीलिंग किया तो सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, आई होप आप लोगों को समझ रहे गाइस। ट्रांसपोर्टेशन का तो चलिए आपको बता देता हूँ एक बार, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर स्टेज कैरियर ओमिट हो गया, रेलवे से आप कर रहे हो सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, अदर देन अगर रेलवे में फर्स्ट क्लास में आप ट्रैवल कर रहे हो एयर कंडीशन में ट्रैवल कर रहे हो तो सर्विस टैक्स लगेगा, ठीक है। मेट्रो मोनोरेल पे सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, इनलाइन वाटर पे भी सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, आई होप आप लोगों को समझ रहा है। ऐसे ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है तभी देख लेंगे। हाँ, नेक्स्ट फ्यूनल सेरेमनी, जब डेथ हो जाता है ना तो जो दफनाते हैं या हिंदू में जो बॉडी उसको मतलब जो भी शमशान भूमि में जलाया जाता है या दफनाया जाता है, क्रिश्चन में भी दफनाया जाता है, तो ये सब प्लेसेस के ऊपर जो सर्विस दी जाती है तो उस पर भी सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। हम क्या बात कर रहे हैं इस नेगेटिव लिस्ट की बात कर रहे हैं, एक बार जस्ट आपके रेफरेंस के लिए फिर से मैं बता दे रहा हूँ नेगेटिव लिस्ट की आइटम, देखो फिर से बच्चों, ए फॉर एप्पल, एप्पल मतलब अमित शाह, ए फॉर अमित शाह मतलब गवर्नमेंट, बी फॉर बॉल RBI बॉल है, सी फॉर कैट फॉरेन डिप्लोमेसी, ठीक है, डी फॉर किसान कुत्तों की जैसा काम करता है, ठीक है, बहुत मेहनत करता है बेचारा, डी फॉर डॉग, ई फॉर हाथी के डर ट्रेडिंग होते, एफ मतलब गोट, एफ मतलब राइट ना यार, आइडिया नहीं जी से गोट, ठीक है सर आगे बढ़ते, हाँ सबको समझ रहा है, हाँ उसके बाद एच से याद रख लीजिएगा हॉर्स, टोल चार्जेस हॉर्स, आई आइसक्रीम बैटिंग गैम्बलिंग में आइसक्रीम कैसा पिघल जाता है, ठीक है, के याद रख लीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी काइट, के फॉर काइट, जो काइट होता है वो बिजली की तारों में क्या हो जाता है फंस जाता है, बिजली की तारों में फंस जाता है, जस्ट याद रख लेना, बस हो गया, इतने नाम याद रख लोगे तो थ्योरी में भी काम आ जाएंगे, ऐसा तो मैंने सिखा दिया, तो सर मैंने इतना डिटेल में तो नहीं सिखाया बट ऊपर से वेरी क्विक मैनर में सर, वेरी क्विक, जो चीज़ आपको 10 घंटे में पढ़ाते 5 घंटे में वो मैंने आपको हार्डली 15 घंटा भी नहीं लिया है, 15 मिनट भी नहीं लिया सॉरी, तो बहुत क्विकली मैंने आपको कराने की कोशिश की है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, थैंक यू सो मच, और आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड आपको मैं एक मास्टर सम करवा दे रहा हूँ, तो मास्टर सम देखना बोलिए मत, एग्ज़ाम में आप उतने भी करके जाएंगे सर्विस टैक्स तो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।